सबका दुख दर्द जितना होता है सब इसी में ले आके बैठा देते हैं। हाँ। ठीक जनता जनता था सुपत खाया पिया लिया दिया दारी पर दारी जनता। हाँ। गढ़े जान हाथे को दावा न जलने करिया की तारा 125,000 पब्लिक डुबदा हम न जलने हम करिया की तारा। वाह। हेलो दोस्तों, इंडिया टूर मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम लोग आए हैं करिया तारा के पास में, करिया सन्नाइत के नाम से। देखिए पीछे एक गेट है और इस गेट से हम लोग चलेंगे अंदर और आप लोगों का यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। और ये समझ लीजिए यहाँ पे बताया जाता है कि भूत प्रेत के लिए यहाँ पर अधिक लोग आते हैं। अपने बैक कैमरा से आप लोगों को यहाँ का पूरा सीन दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं अंदर। देखिए एक गेट है, गेट से चलेंगे हम लोग अंदर। देखिए कुछ दुकानें यहाँ पे लगी हैं, जो भी खरीदना हो आप लोग खरीद सकते हैं। और यहाँ देखिए दुकान है, देखिए यहाँ पे सभी दुकानें लगी हुई हैं। और आगे मंदिर है, हम लोग चलेंगे अभी वहाँ पे। देखिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। समझ लीजिए बताया जाता है कि भूत प्रेत वाला जो मामला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी है, अभी चलेंगे और पूछेंगे हम लोग, जानेंगे यहाँ के विषय में। देखिए यहाँ का ये पीपल का वृक्ष है और उस पीपल के वृक्ष में देख सकते हैं कितना मतलब थाली बना गया है। इसका मकसद हम लोग को नहीं पता है, लेकिन अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा समझिए थाली को इसमें ऐसे किया गया है। देख सकते हैं गजब का सीन है ये नज़ारा। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? अखिलेश यादव। अच्छा, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ, ये थाली जो लगाया गया बता सकते हैं इसके विषय में? इसका वजह ये है, सबका दुख दर्द जितना होता है सब इसी में ले आके बैठा देते हैं। अच्छा, रोजी पूजी डाउन होता है। अच्छा अच्छा, ले आके सब इसी में कर देते हैं, ले लो देव है, दान दिया जाता है। 21 मतलब मंदिर क्या नाम से बाबा जी का? बरम बाबा है। हाँ। अच्छा जी। मतलब ये थाली बना जाता है कि मतलब और कटोरा और लगोटा जनेऊ। अच्छा अच्छा, खिचड़ी देख सकते हैं आप लोग। अब समझिए पूरे समझे वृक्ष में कितना लगाया गया, सभी लोग अपना मनोकामना यहाँ पूर्ण करने के लिए जी जी ये सब थाली वाली सब लगाते हैं ताकि उनका रोजगार और जो भी उनका दुख हो इसमें समझ लीजिए ये बाबा जो हैं हर लेते हैं, जो बरम बाबा के नाम से हैं। देखिए यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है, सभी लोग हैं। बहुत दूर दूर से माना जाता है कि यहाँ पे भूतों प्रेतों का जो सिलसिला बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पर। देखिए बहुत विशाल वृक्ष है ये पीपल का, जिसको हम लोग बरम बाबा के नाम से जानते हैं। और ये बरम बाबा समझ लीजिए सभी लोगों का कल्याण करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर थाली कटोरा इसमें सभी लोग लगाए हुए हैं, अपना मान्यता के अनुसार जो भी हो मानते हैं। पहले आपका स्वागत है दादाजी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। अब हमको यहाँ बताइए कि ये जो मंदिर है यहाँ के किस नाम से मंदिर है और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, क्या मकसद? यहाँ मकसद ये है कि भूतों प्रेतों का जिसको शंका है वो यहाँ आता है, उसका शंका का समाधान हो जाता है। अच्छा। हाँ, और यहाँ नाम जो बोलते हैं कड़िया देव सन्नाइत बाबा के नाम से। अच्छा, मशहूर है कड़िया देव सन्नाइत बाबा। सन्नाइत बाबा। हाँ। और यहाँ पे सुनते हैं कि कड़िया तारा के नाम से भी एक मंदिर है। कड़िया तारा एक तालाब है ना। हाँ, तारा वही तालाब के नाम से। अच्छा, प्रसिद्ध है। दोनों भाई हैं। दोनों लोग भाई हैं। दोनों भाई ये ये जो है ये दानिया ठाकुर हैं। अच्छा, यहाँ जो तालाब पर है पुजेर ठाकुर हैं। अच्छा। हाँ। एक मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे एक क्या है, वहाँ पे एक मंदिर है सामने। जी जी जी, उनका थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो उसी को बता रहे हैं। अच्छा, वो पुजेर ठाकुर हैं। वो पुजेर ठाकुर हैं, ये दानिया ठाकुर हैं। अच्छा। हाँ। और ये हम देख रहे हैं इसमें थाली बहुत लोग लगाए हैं। हाँ, थाली जैसा आप धन लेकर के सौपत लेकर के देखते आप टीका गए हैं। हाँ। तो सौपत वाला धन उसमें बैठाया गया है। अच्छा। हाँ।
चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। अच्छा अच्छा फिर से एक बार फिर से बोलिए। हाँ हाँ फिर से बोल दीजिए। गढ़े जान हाथे को दावा न जल्ले करिया के तारा, 1,25,000 पब्लिक डूबगा हम न जल्ले हो करिया के तारा। वाह, अरे देखिए दादाजी यहाँ पे एक शहर बोल दिए कड़िया तारा और कड़िया सनाइत के बाबा के, जो यहाँ पे एक बाबा जी हैं, देखिए उनके विषय में एक शहर बोले हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। चलिए धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, मतलब बहुत काफ़ी विशाल ब्रिज है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपना जो मनोकामना होता है इस ब्रिज में लगा देते हैं। और ये ब्रिज सभी लोग को, देखिए काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत दूर से गाड़ियाँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी उनका मनोकामना है पूर्ण करते हैं यहाँ के बाबा। अभी देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, चलेंगे थोड़ा सा मंदिर में हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। और देखिए ये ब्रिज जो चिलबिल ब्रिज है ना, जी जी हाँ चिलबिल के ब्रिज में भी देखिए जो देवी देवताओं का वास इसमें है और यहाँ पे पुजारी लोग हैं और बाबा जी सभी लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, थोड़ा पूछेंगे इसके विषय में। बताओ आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? भोला। भोला, हमको थोड़ा सा बताइए यहाँ पर ये मतलब ज्यादा भीड़ लग रहा है इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ के मतलब क्या प्रचलित है, क्या खास चीज है यहाँ पर? खास चीज ये है कि जितने भूत प्रेत होते हैं, अच्छा इसी जगह लगते हैं, इसी जगह लगते हैं। प्रीति बाधा हो, घर हो, बाहर हो, यंता धियंता या ठाकुर ठाकुराइन काले भैरव फूलमती या किसी को परेशान कर रहे हैं, हाँ। शंका का दवाई है खाली बस। अच्छा, कोई प्रीति बाधा तो प्रेत तो कोई देखा नहीं, भूत कोई देखा नहीं, ये केवल विश्वास देखा, ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास पर संसार को समाधान मिल रहा है, इसी तरीके का उनके संतुष्टि मिल रहा है, इसी में उनकी आराम मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग मतलब यहाँ पे काटी देखिए यहाँ पे गाड़ा गया है और यहाँ पर थाली वाली सब ब्रिज में लगाए हुए हैं, इसका मतलब? इसका मतलब है ब्रह्म जिसको परेशान करते हैं, जिसको घर में ब्रह्म लग रहा है, हाँ। ठीक यंता धिनता थाती सोपत खाया पिया लिया दिया दारी पर दिया हिंता, हाँ। उनकी ब्रह्म परेशान कर रहा है तो बोलते हैं कि हमको एक थाली देकर के हमारा खिचड़ी जन देकर के हमके बैठा दिए जाए या हम इसे ये सोहन बाबा के बढ़िया तो ब्रह्म की स्थान है, इसलिए वो थाली ठोका गया है। बहुत बढ़िया, तो आप लोग दर्शन करिए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना मतलब यहाँ पे काटी सब लगाया गया है इस वृक्ष में, मतलब जिसका मनोकामना अगर पूर्ण होता है और जिसको मतलब कि सुख शांति चाहिए तो यहाँ पर आप लोग स्थान पर आएंगे। ठाकुर ये पहला स्थान है ठाकुर महाराज के, अच्छा कड़िया सनाइत महाराज के प्रसिद्ध है, बढ़त पड़ेगा कड़िया सनाइत और कड़िया तारा वहाँ पे मंदिर है, कड़िया तारा पर आप हैं, कड़िया तारा वहीं पर आप बगल में है, ठीक है धन्यवाद। मंदिर में ठाकुर ठाकुराइन का स्थान है, यहाँ कड़िया बाबा का स्थान है, ये कड़िया बाबा है, मंदिर में चलेंगे दर्शन करेंगे, थोड़ा माता जी थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे क्या, थोड़ा सा अंदर जाएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे ये बाबा जी का नाम, थोड़ा सा बाबा जी का, हाँ ये भोलेनाथ है। अच्छा ये भोलेनाथ जी हैं, हाँ। और सन्नाइत बाबा है, सन्नाइत बाबा ये ठाकुर ठाकुराइन हैं, अच्छा ठीक है, सासुर है, हाँ ये फूलमती भवानी है, ये फूलमती भवानी है, देख सकते हैं आप लोग। और जो यहाँ के रहने वाले, आपका नाम, आप अपना नाम बताइए दादी। चमेला। चमेला, तो आप यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ का सेवक। सेवक हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ माता जी का सेवा करती हैं और ये मंदिर का जो भी है सभी लोग देख रेख करती हैं, देखिए यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं आप लोग और काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसको जिसको मतलब सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो यहाँ पर आप लोग आइए, चारों तरफ गजब का भीड़ है। हम लोग रास्ते में सभी जा रहे थे, सोचे एक बार दर्शन हो जाए यहाँ पर तो बहुत अच्छा है।